अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टडी कर रहे थे काइनेमैटिक्स, एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल एनालिसिस, जिसमें हमने जो टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था कि हमने वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो डिस्टेंस लिया था और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिया था। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो है वो हमने कल स्टडी किया था, जो कि हमारे पास जो है वो स्पीड को शो करता था। आज जो है वो हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। फिगर नंबर आपकी बुक का पेज नंबर है 44 और फिगर है 2.10। हमारे पास ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, इसमें हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप्स के ग्राफ्स हैं और उसमें हमें बताया हुआ है कि कहाँ पे आपके पास जीरो स्पीड है, कहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है और कहाँ पे आपके पास जो है वो वेरिएबल स्पीड है। तो पहला ग्राफ अगर आप देखें तो आपके पास डिस्टेंस टाइम ही ग्राफ है। वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को शो किया और एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो टाइम को शो किया हुआ है। अब देखें, टाइम हमारे पास ऐसे फर्दर जो है वो जीरो से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ जीरो से अपवर्ड हमारे पास डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं ऐसे नंबरिंग दे देती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ऐसे ऊपर नंबरिंग दे देती हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन, ऐसे हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास टाइम जो है वो ज़ीरो था, लेकिन टाइम क्या होता गया, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए ज़ीरो पे आपके पास टाइम क्या है, ज़ीरो है और आपके पास स्पीड डिस्टेंस कितना कवर हुआ हुआ है, 50। लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड, आपके पास जो डिस्टेंस है वो 50 पे ही रुका हुआ है, ऊपर जो है वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, 50 पे ही रुका हुआ है। टाइम इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज़ जो है वो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है हम जो है वो स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल होता है। तो देखिए यहाँ पे वो डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं कर रहा, टाइम तो जा रहा है लेकिन डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं कर रहा। तो मतलब स्पीड जब डिस्टेंस ही ज़ीरो होगा, ज़ीरो को टाइम पे डिवाइड करें, किसी भी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड करें, वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या है, वो ज़ीरो है। सेकेंड ग्राफ देखें, सेकेंड ग्राफ में हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, हम पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसी स्पीड जिसमें डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर्ड हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, ये देखें हमारे पास ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। अब देखें जैसे जैसे हमारे पास टाइम इंक्रीज़ होगा, डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। देखें यहाँ से स्ट्रेट लाइन से देखें, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, 2, 3, 4, 5 टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। देखें जैसे जैसे लाइन ऊपर जाती जा रही है, डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता जा रहा है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। विद द इंक्रीज़ इन टाइम आपके पास डिस्टेंस क्या हो रहा है, इक्वली डिस्टेंस जो है वो कवर्ड हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। या आपके पास MCQs भी बन सकता है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है वो क्या शो करता है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड के बारे में भी हमने पढ़ा है कि हमारे पास ऐसी स्पीड जो कि डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो, मतलब टाइम आपके पास जो है वो इक्वल हो लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट कवर हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म सॉरी वेरिएबल स्पीड होती है। तो यहाँ पे देखें आपके पास इसी तरह से एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। आप देखें आपके पास टाइम के साथ, पहले तो टाइम के साथ हमारे पास जो है वो स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे आके स्पीड रुक गई है। देखें अब हमारे पास ये कर्व बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ से देखें आपके पास टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा था, तो क्या हो रहा था, डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ 4 सेकंड पे पहुँच के अगर आप देखें तो आपके पास डिस्टेंस क्या हो गया, बस 50 पे आके रुक के आगे ऊपर की तरफ इंक्रीज़ जो है वो नहीं कर रहा, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आके स्ट्रेट हो गया। यहाँ पे कर्व का मतलब है कि आपके पास 50 पे आके रुक गया। अब होल आपके लिए, होल द टाइम आपके लिए जो
डिस्टेंस है वो 50 है और टाइम जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, 6, 7, 8 पे पहुंच गया, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, 50 पे ही रुका हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इक्वल डिस्टेंस तो कवर ना हुआ ना इक्वल टाइम में। तो जब आपके पास ये टाइम इक्वल जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है, तो ये आपके पास क्या है, वेरिएबल स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.4.2, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ। पहले हमने कल जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था, आज हम स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड को लेंगे और हॉरिजॉन्टल पे उसी तरह से टाइम को लेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द स्पीड एंड टाइम। और ये हमारे पास, अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारे पास ये क्यों ज़रूरी है, मीन्स हम लोग जब एक ग्राफ बनाते हैं, तो कल भी हमने स्लोप को डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो अगर हम इस ग्राफ का स्लोप, जब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। ठीक है, जब हम इस ग्राफ को हम जब प्लॉट करेंगे तो हम इसका स्लोप लेंगे तो वो हमें एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए भी ये ग्राफ बनाया जाता है। और सेकेंड हमारे पास ये है कि हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस, जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसकी मैग्नीट्यूड बताएगा। अभी हम करेंगे तो आपको उसकी समझ आएगी। एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस ट्रैवल। अब कैसे, जैसे ये आपके पास है, आपने कितना, आपके पास ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, तो इसके अंडर जितना भी, इस ग्राफ के अंदर जितना भी हमारे पास एरिया होगा, या अगर आप कैलकुलेट कर लें इस एरिया को, तो आपके पास जो है वो जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपको उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मिल जाएगी। तो हम इस ग्राफ को जो है वो टू मेथड्स के लिए यूज़ करते हैं, एक स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन और दूसरा हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हमें देता है हम जितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देता है। ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। क्या आपके पास जो स्पीड टाइम कर्व में आप जब स्लोप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा, जैसे कि हमने कल जो है वो स्लोप के बारे में डिस्कस किया था कि स्लोप क्या होता है, और अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें तो वो हमें एक्सेलरेशन देगा। और ये एक्सेलरेशन आपके पास ये MCQ जैसे भी बन सकते हैं, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ डैश, तो उसमें आपको वो डिस्टेंस भी दे सकते हैं, स्पीड भी, टाइम, एक्सेलरेशन भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट वो एग्जांपल देता है, नेक्स्ट जो हमने ग्राफ प्लॉट करना है उसमें वो ये कहता है, आपकी बुक का पेज नंबर 44 है, बिल्कुल आपने पेज के एंड पे जाना है। तो वो कहता है, कंसिडर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद स्पीड अप फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, आपने सबसे पहले तो आपने ये ये एक्सिस कोऑर्डिनेट्स आपने ड्रॉ करने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे टाइम को लेना है और यहाँ पे आपने जो है वो स्पीड को लेना है। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास स्पीड आप नंबर्स यहाँ पे दे दें 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे आप दे दें 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब वो कहता है क्या है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि जीरो से स्पीड कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड में, मतलब जीरो से वो कहाँ पे जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 8 मीटर पर सेकेंड वो कहाँ पे है, 4 सेकेंड में। देखिए 4 सेकेंड में, यहाँ पे 4 सेकेंड टाइम हो गया और यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर मैं यहाँ ओरिजिन से मिला दूँ तो मेरे पास ये जो ग्राफ है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, कितनी उसकी स्पीड थी, 8 मीटर पर सेकेंड थी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस बिटवीन द वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स पे मेरे पास यहाँ पे अभी क्या शो हो रही है, स्पीड शो हो रही है। ठीक है, तो स्पीड vf - vi और टाइम tf - ti। ठीक है, तो पहले इनिशियल जो हमारे पास फाइनल
जो स्पीड थी वो अभी कितनी हुई 8 मीटर पर सेकेंड, और जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी, जाहिर सी बात है ज़ीरो से ओरिजिन से स्टार्ट लिए तो ज़ीरो, फाइनल टाइम हमारे पास 4 है और इनिशियल टाइम हमारे पास क्या था, ज़ीरो था, ठीक है। 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, 4 2 सेकेंड सेकेंड से कैंसिल, तो हमारे पास जो स्लोप है वो क्या हो गया, 2 मीटर ठीक है। तो ये जो स्लोप आपके पास होगा ये आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, कि मींस आपने इतना एक्सेलरेट किया और ये आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो स्लोप सॉरी डिस्टेंस आप जो फाइंड आउट कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो हमारे पास ये एरिया है ग्राफ के अंदर अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हम ये बता सकते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है।